जय माता दी। दोस्तों, जायका जिंदगी का में आप सभी का स्वागत है। जायका जिंदगी का में आज मैं नवरात्रि के लिए आपके लिए स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस समय चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमें अपना पूरा ध्यान रखना है, खुद को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। ये ड्रिंक पीने से आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही आपकी प्यास भी बुझाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने ये ड्रिंक किस तरह से बनाया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके लिए मैंने 10 से 12 खजूर ली है और उनके सीड्स को रिमूव कर दिया है। अब हम इसे दूध में सोक करके रखेंगे। हम इसे लगभग एक घंटे के लिए दूध में सोक करके रखेंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी दूध में इन्हें सोक कर दिया है। अब एक घंटा हो चुका है। हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम एक चम्मच चीनी ऐड करेंगे, साथ ही सोख की हुई खजूर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर और कुछ काजू और बादाम ऐड करेंगे। अब हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें बाकी का चिल्ड मिल्क भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा खजूर का शेक तैयार है। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने इसे सर्व कर लिया है और अब हम इसे गार्निश करेंगे कुछ पिस्ता के साथ। ये हमारा इंस्टेंट एनर्जी देने वाला खजूर का शेक तैयार है। आप भी इसे बनाइए, इसे बनाना बहुत आसान है और ये पीने में बहुत ही डिलीशियस होता है। अगर आप चाहें तो इसमें से शुगर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि खजूर की खुद ही इतनी मिठास होती है कि आपको इसमें मीठे की कमी महसूस नहीं होगी। आप भी इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।